ये बताओ, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्या मतलब उसका? लिमिटेशन है ये? हाँ, प्लानिंग करने में काफी टाइम लगता है क्योंकि हमें उस रिजल्ट उसको जो हमारा गोल है उसे अचीव करना है। सो हम ऐसा प्लान बना के चलेंगे कि मतलब एज अ क्लोज टू क्लोज एज अ बेस्ट प्लान बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारा गोल अचीव हो जाए, और उस प्लान को बनाने में टाइम लगेगा। और क्योंकि आजकल क्या कहते हैं, जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे प्लानिंग करवाई जाती है, तो वो सब टाइम लगाते हैं प्लानिंग करने में, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है काफी, पूरा प्लान करेक्ट, करके कि कैसे क्या चीजें होंगी गुड उसमें टाइम। गुड गुड। और एक पॉइंट सुन रही, और चीज ये भी हो जाती है कि डेटा कलेक्ट करना पड़ता है ना, सारा डेटा लेना पड़ता है कि हाँ, ऑल्सो क्या हाँ, कहते सर्वे हैं, होता है कैसे डेटा। मतलब, तभी उसको प्लान बनाते हैं ना। ठीक है, हाँ और ये क्या, इसका मतलब क्या, प्लान डज नॉट गारंटी सक्सेस? हाँ प्लान करने, जो हमारी प्लानिंग है ये बस एक एजम्पशन है, ये बस एक एजम्पशन है कि हमको फ्यूचर में किस चीज गोल को अचीव करने के लिए क्या चीजें किस तरीके से करनी है, ये हमें गारंटी नहीं देता अपने गोल को अचीव करने की। क्यों क्यों नहीं गारंटी देता? क्योंकि ये सिर्फ एक एजम्पशन है, हम सिर्फ अज्यूम करते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, बट अगर आगे चल के वो वैसी नहीं होती तो वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो कि, जिसकी वजह से प्लान खराब हो सकता है? प्लान किसकी वजह से खराब हो सकता है, जैसे कि क्या नहीं। अगर जैसे जो क्या कहते हैं वो होता है, अगर गवर्नमेंट ने कोई वो निकाल दिया, कोई क्या कहते हैं टैक्स निकाल दिया, या फिर कोई नया लॉ निकाल दिया, और जो करेक्ट, कि प्लानिंग बनाने बिल्कुल के टाइम को पे हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो ठीक है, मतलब अगले नहीं, चेंज इन एनवायरमेंट्स हो गया, करेक्ट, तो वो सारी चीजें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मतलब प्लानिंग के टाइम पे, जिस टाइम पे क्या कहते हैं, हम लोग बनाते हैं तो कुछ हम सर्टन अजम्पशंस होते हैं, और पता चला जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, आपके इंटरनल इंटरनल मान लो स्ट्राइक हो गई, मान लो कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन में कोई आ गया बहुत स्ट्रॉन्ग, मान लो रॉ मटेरियल महंगा हो गया, बहुत सारी चीजें, मान लो मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी चेंज हो, मतलब वो हो गई, जिस तरह से पहले लोग मार्केटिंग करते थे, अब वो नई टेक्नोलॉजी आ गई कोई, तो उससे मार्केटिंग इफेक्ट हो गई, तो ये सब चीजें फैक्टर करते हैं। ठीक है, चलो गुड, तुमने पढ़ा है इसमें, दैट्स गुड है। चलो अब हम आगे चलते हैं, प्लानिंग प्रोसेस। ये प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है कि भाई, एक प्लानिंग करने का एक तरीका होता है, ऐसा ही नहीं कि भाई हमने उठाया मुंह उठाया चलो जी बैठ के हम प्लानिंग करने, हो गया, नहीं। एक प्लानिंग का प्रोसेस है, और उसके प्रोसेस के ये 7 स्टेप्स जो तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, ये के अंदर फॉलो करने होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो सीक्वेंस जो स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बिगड़ना नहीं चाहिए। जो भी कोई प्रोसेस होता है, जैसे कोई भी प्रोसेस ले लो, जो तुम्हें दिमाग में आया, तुम्हें एक सीक्वेंस फॉलो होता है, नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी जो उसके स्टेप है वो जो थर्ड स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप पे कर लें, फर्स्ट स्टेप जो है वो 9th स्टेप पे कर लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर की, जो प्रोसेस वही होता है जिसके अंदर की आप स्टेप वाइज चीजें फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अब प्रोसेस के अंदर पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है प्लानिंग प्रोसेस में, कि भाई हमें अब अपना ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होना चाहिए। हम प्लानिंग किस चीज की कर रहे हैं? अगर हमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं क्लियर होगा तो हम प्लानिंग किस चीज की करेंगे, समझ गए? तो क्या कहते हैं, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कोई एग्जांपल बताओ कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है नॉर्मली कंपनीज का? सेल्स बढ़ाने का, अपना यस, प्रॉफिट करने का। राइट राइट, वेरी गुड, है ना, सेल्स बढ़ाने का या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का, है ना। तो बेसिकली जो हम लोग का स्कोप है वो इस तरीके, मतलब प्लानिंग का जो दायरा है वो काफी क्लियर हो जाता है कि भी हमें क्या कहते हैं, इसके जो प्लानिंग जो हम कर रहे हैं वो उसका एक, जब तक ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तब तक हमें हमारा प्लानिंग करना बेकार है। इसीलिए वो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल विच द मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव, है ना, यस सर, हाँ, विच द मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव
प्लानिंग स्टार्ट्स विद डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. द ऑब्जेक्टिव शुड बी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड देन दे शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू डिपार्टमेंट सेक्शनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. क्या होता है कि मैंने जैसे तुम लोगों को पहले भी बताया था कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपना प्लान पहले खुद बनाती है, उसके बेसिस के ऊपर उसको बेस मान के जो और डिपार्टमेंट्स हैं वो प्लान बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि भाई हमारी जो है वो हमें इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें अपनी सेल 20% बढ़ानी है. ये एक ऑब्जेक्टिव लेके क्या कहते हैं टॉप मैनेजमेंट चलता है. ठीक है, अब 20% सेल बढ़ाने के लिए हर डिपार्टमेंट का रोल होगा उसके अंदर. यस सर. तो वो रोल जो जिस डिपार्टमेंट का जो रोल है उसके हिसाब से वो प्लानिंग करेगा. फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो इंश्योर करेगा भैया जितना तुमने लास्ट ईयर प्रोडक्शन बनाया है उससे अब 20% ज्यादा बनाना पड़ेगा. जब बनाओगे, जब तक बनाओगे तब तक बेचोगे कैसे. ठीक है, तो प्रोडक्शन वाले का जो ईयरली प्लान होगा उसके अंदर ये जाके फिट हो जाएगा कि भाई ठीक है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि हमें अपनी 20% सेल बढ़ानी है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तभी तो हम सेल कर पाएंगे. तो प्रोडक्शन वाला उस हिसाब से प्लान करेगा. जब प्रोक्योरमेंट वाले को पता चलेगा तो जितना मैंने खरीदा था रॉ मटेरियल उसमें कोई 20% ज्यादा खरीदना पड़ेगा. सेल्स वाले को पता चलेगा उसको कहेगा भाई क्या कहते हैं इसका मतलब माल मेरे को ज्यादा मिलेगा और मेरे को बेचना है सारा, तो वो हिसाब से प्लान करेगा. तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्लान करेगी टॉप मैनेजमेंट में वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, समझ गए ना. yes, जो कि ब्रोकन डाउन हो जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट सेक्शन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में. अब क्या है, अभी तो मैंने तुम्हें डिपार्टमेंट बताया, फिर मान लो एक, एक उसके अंदर एक कोई सेक्शन है क्या कहते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है. प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक रॉ मटेरियल का सेक्शन है कि जो रॉ मटेरियल परचेज करता है उसका उसके अपने ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे. फिर जो बंदा खरीदता है वो उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि भाई मेरे को इस तरीके से ये खरीदने हैं. उसका वो भी तो अपने हिसाब से करेगा ना, क्योंकि जब तक वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा तब तक ये सारी चीजें कैसे वो होंगी. राइट, तो क्लियर हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. Yes, sir, yes, sir. अब सेकंड चीज जो आती है वो क्या है, डेवलपिंग प्रिमाइस का मतलब जानते हो क्या होता है. नो सर. प्रिमाइस का मतलब होता है अजम्पशन. अजम्पशन हमने हम क्या कहते हैं इस प्रिमाइस में कहते हैं ना, इस प्रिमाइस में ये काम हमने ऐसे कर दिया कि अज्यूम करके कि हाँ ये चीज ऐसे होनी थी इस वजह से हमने इसको अज्यूम करा कि ऐसे होगी इस वजह से हमने ऐसा ऐसा कहा या बोला जो या काम किया जो भी है ना. तो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका भी, पहले ऑब्जेक्टिव सेट होगा फिर उसके बाद आप अपने क्या कहते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं प्रिमाइस वो करते हो कुछ अजम्पशन करते हो. एवरी मैन इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर. These assumptions are also called premises. There are base material for the planning. These are the base material for these assumptions may be in terms of forecast, existing plan, or any past information about the about policies. बहुत important point ये है कि भाई अब हम कुछ जब हम planning objective हमने clear कर दिया, अब उसके बाद जो हमारा next target है कि भाई हम जो कुछ plan कर रहे हैं वो एक certain assumption पे तो करेंगे कि भाई क्या कहते हैं हमें अगर 20% इंक्रीज सेल इंक्रीज करनी है तो क्या कहते हैं हम पास डेटा में जाएंगे, पास डेटा में जाके देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज में हमारी सेल ज्यादा हुई है, कौन कौन से एरियाज में कम हुई है, जहां पे कम हुई है वहां पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. जहां जहां हमारी सेल अच्छी हुई है वहां वहां इंश्योर करना पड़ेगा कि उन जो जो लोग वहां पे जिन जो जो हमारे सेलर्स हैं उनको प्रॉपर माल मिलता रहे, अदरवाइज अगर माल की शॉर्ट हो जाएगी तो वहां बिकेगा नहीं. करेक्ट. तो
हर चीज का हर क्या कहते हैं हर प्लानिंग में जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसका एक तरीके से क्या कहते हैं एक एक अजम्पशन करा जाता है कि भाई हमारा ये अजम्पशन होगा इन टर्म्स ऑफ कि भाई क्या कहते हैं हमें इंश्योर करना है। इसमें भी दो तरीके के अजम्पशन होते हैं, एक इंटरनल प्रमाइस और एक एक्सटर्नल प्रमाइस। जो इंटरनल प्रोमाइस है वो आपके क्या कहते हैं लेबर रॉ मटेरियल मशीनरी कैपिटल इन सब के, क्यों? क्योंकि ये जो अब आपने तो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, अब आपको आप ये अज्यूम कर लोगे ठीक है जी मेरे को क्या कहते हैं इस अपने सेल को 20% बढ़ाने के लिए मेरे को लोन चाहिए होगा, मेरे को बैंक से लोन मिल जाएगा, मेरे को नई मशीनरी चाहिए होगी, वो भी ये सब प्लानिंग में तो करोगे ना, अज्यूम करोगे ना कि सारी चीजें क्या कहते हैं हमें ये चाहिए होंगी, कहीं ना कहीं अपने ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं या उस पर लिखोगे ना कि हाँ भाई हमें 20% इंक्रीज करने की सेल, इसके लिए हमें ये मशीनरी भी शायद अच्छा चाहिए होगी, एक प्लांट लगाना पड़े नया, ये सारी चीजें ये इंटरनल होगी। एक्सटर्नल में क्या कहते हैं गवर्नमेंट में जैसे मैंने बताया कि भाई हाँ गवर्नमेंट की हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो उसके अंदर टैक्स बढ़ा दे, तो वो एक अजम्पशन हो जाता है ये, है ना। एक्सटर्नल हो सकता है मेरा कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाए, हो सकता है कि मेरे को टेक्नोलॉजी का यूज भी करना पड़े, तो ये सारी चीजें जो है वो आप अपने प्लान के अंदर अज्यूम करते हो। पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर आपने अपनी क्या कहते हैं जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जो जो आपने लगता है कि हाँ ये चीज है तो ये चीज पॉसिबल है और क्या कहते हैं ये चीज हमें करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से आप ये अजम्पशन का एक लिस्ट बना दो कि भाई ये चीज हमें करनी पड़ेगी तभी हमारा प्लान अप्रूव अचीव होगा, ठीक है। हाँ सर, अगर नहीं क्लियर हो तो मेरे को दोबारा बता देना, मैं दोबारा बता दूँ, मेरे को बता दूँ, मैं दोबारा बता दूँ, बट ये थोड़ा इजी था है। हाँ है ना, तो अच्छा अब जो थर्ड पार्ट आता है आइडेंटिफाइंग क्या कहते हैं ऑल्टरेशन, इसमें एक चीज और बता दूँ तुम्हें, जो सात हैं इनको याद करने का तरीका है एस डाइज आई एस डाइज इफ S for S dies D I E S if D I E S S for setting goals, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं तुम्हें, D for developing premises, I for identifying alternation alternating identifying alternative course of actions, E for evaluating of alternative courses, S for selecting an alternative courses, I for implementing a plan, and last में F for follow up। तो हम ये बट मैं तुम्हें सिर्फ अभी याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि पहले ये देख लो उसके आगे के भर देना तुम्हें पूरे सारे, लेकिन ये स्टेप बिल्कुल एज इट इज सीक्वेंस में होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। करेक्ट, ओके, आगे बढ़े। यस सर, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब क्या है कि प्लानिंग तो हम कर लेते हैं, हम कहते हैं भाई इस चीज को अचीव करने के लिए हमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सेल अपनी 20% बढ़ानी है तो एक ऑप्शन ये है कि हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर कर दें, एक ऑल्टरनेट ये है कि भाई हम अपने पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा मार्केटिंग करें है तो हमारी सेल 20% बढ़ जाएगी। क्या कहते हैं एक ऑल्टरनेट ये है कि भाई हम कुछ फ्रीबीज दे दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा कि मैकडी में टॉय मिल जाता था। हाँ सर, तो पहले जब क्या कहते हैं किट्स मिली, मतलब अगर कोई बच्चे जाते थे तो वहां पे तो एक उनका बॉक्स था, उस पता नहीं क्या क्या नाम, मेरे को नाम याद नहीं क्या बॉक्स किट्स मिल ऐसा कुछ था। हाँ, तो उसके अंदर तो जैसे उसके अंदर वो बॉक्स लेते थे तो उसके अंदर खाने पीने का सामान तो होते ही, तो साथ में एक छोटा सा टॉय भी होता था, तो बच्चे उस टॉय में ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे, तो इस वजह से क्या हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड मैकडी की सेल्स काफी बढ़ गई। तो उनके ये उन्होंने मतलब एक तरीके से हम इस पर भी आएंगे वैल्यूज पाएंगे, बट उन्होंने ऑल्टरनेट क्या कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने आइडेंटिफाई करने की, ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो वो क्या करते हैं कि ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं इसको अचीव करना है, तो हमने हमें पहले टारगेट कर लिया ये अचीव करेंगे, फिर
क्या कहते हैं हमने जो जो नेक्स्ट किया वो हमने हमने कुछ अजम्पशंस करे कि हाँ भाई ठीक है, क्या कहते हैं इस तरीके से हमारे पास क्या कहते हैं हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे ये कंपटीशन कितना होगा और सारी चीजें हमने एक तरीके से अकाउंट फॉर बोलते हैं अकाउंट फॉर कर ली कि भाई हमारे पास क्या कहते हैं ये चीजें देखो मैंने जैसे ना कि हमारे इंटरनल हमारे पास क्या कहते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर लेबर की प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे वो करेंगे फिर एक्सटर्नल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल ये सारी चीजें हो गई उसके बाद हमने अपने यहाँ अपने उसमें ऑल्टरनेट्स आइडेंटिफाई करे कि अगर हम इन अजम्पशंस के बेस के ऊपर हमने कहा कि भाई हम या तो क्या कहते हैं डिस्काउंट देंगे या फिर हम उसको एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाएंगे अपने हम 20% की स्केल सेल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो इस तरीके से उन्होंने अपने अपने ऑल्टरनेट्स डिफाइन करे समझ गया बेटा ये ऑल्टरनेट का मतलब हाँ सर ठीक है चलो अब आगे चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है इवेलुएटिंग ऑल्टरनेट कोर्सेज मैं आइडेंटिफाई पढ़ देता हूँ पहले नेक्स्ट स्टेप पहले आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कोर्स में क्या लिखा है द नेक्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज टू सर्च फॉर ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शंस ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेट शुड बी फाउंड आउट फॉर देयर कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल इवेल्युएशन In this stage, managers have to apply their creative thinking and innovative skill to generate alternative plans. मतलब ये हुआ कि आपको जो बंदा क्या कहते हैं इसकी प्लानिंग कर रहा है तो उसको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि उसके पास नंबर ऑफ ऑल्टरनेट होने चाहिए और वो हर ऑल्टरनेट को इवैल्यूएट करने के उसके पास डेटा होना चाहिए हम इवैल्यूएशन पर नेक्स्ट उसमें आएंगे पर अभी जो इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि जो मैनेजर है उसको अपना दिमाग लगा के अपनी क्रिएटिविटी लगा के डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेट्स पे वर्कआउट करना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं ठीक है यस सर तो उसके बाद जो जो नेक्स्ट वो आता है वो इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेट कोर्सेज मतलब क्या हुआ कि आपको जो आपने ऑल्टरनेट बनाए हैं उसके अंदर आपको इवेल्युएट करना है कि कौन सा ठीक रहेगा कि क्या कि किस ऑल्टरनेट में कितने हमारा हमारा उसके उसके फायदे क्या हैं नुकसान क्या है खर्चा कितना होगा बचत कितनी हो सकती है क्या हो सकता है ये सारी चीजें तो इसमें लिखा ना द नेक्स्ट स्टेप इज टू वे द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव ईच कोर्स विल हैव Many variables which have to be weighed against each other. मतलब ये होता है कि आपने कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई हम डिस्काउंट दे देंगे ठीक है अब डिस्काउंट देने से क्या होगा कि सेल तो बढ़ जाएगी लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी वो भी बढ़ जाएंगी भाई वो प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हो जाएगी ना सर क्योंकि कम हो जाएगी है ना हाँ, हाँ. हाँ. तो आप ये कहते हो कि भाई ऐसा है कि हम क्या करेंगे कि हम एक स्कीम निकालेंगे कि भाई आपको 20% डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप दो खरीदोगे अगर एक खरीदोगे तो आपको नहीं मिलेगा तो उसमें क्या होगा कि आपका आपकी जो सेल है वो बढ़ गई और जो प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहते हैं आपको लग रहा था कि कम होगी वो एटलीस्ट एक एट पार आ गई मतलब क्या हुआ कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उस लेवल तक नहीं घटी आपने क्या किया क्योंकि आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया सेल बढ़ गई आपकी जैसे देखो जैसे सेल बढ़ती रहती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी अब हाँ. आपने डिस्काउंट तो कर दिया पर डिस्काउंट आपने कवर अप कर लिया अपने सेल्स के रेवेन्यू में तो उससे क्या होगा हो सकता है कि आपको उसमें प्रॉफिट आप कमा पाओ क्योंकि आपकी सेल बढ़ गई तो अब ये देखो ये चीज इवेल्युएशन के टाइम पे होती है कि भाई हाँ कितना हम कर सकते हैं कितना हमें अगर 20% बढ़ाएंगे तो हमें एक्चुअल अप में हमारा प्रॉफिट कितना कम होगा फिर हम ये स्कीम बनाते हैं कि भाई क्या कहते हैं इसमें हम डिस्काउंट दें या दो पे दें या तीन पे एक फ्री करें या चार आपने देखा हो ना कि मार्केट में जॉब की बाय थ्री गेट वन फ्री या समथिंग ऑफ दैट इस तरह के होते हैं ना तो उन्होंने वो अपने इस तरह से स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने उसको इवेल्युएट करके उन्होंने एक क्या कहते हैं सिलेक्ट कर लिया था बट अभी हम इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप अपने जितने भी
ऑप्शंस हैं उनको इवेल्युएट करते हो कि भाई इसके प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस मतलब कि भाई जो हमारे हमारे फेवर के हैं और कॉन्स हमारे अगेंस्ट में कौन से हैं, वो सारी चीजें आप इवेल्युएट करते हो और देखते हो कि किसका इम्पैक्ट कितना होगा। कि भाई कभी कभी छोटी सी बात होती है पर इम्पैक्ट बहुत कम होता है, कभी कभी क्या कहते हैं काफी बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो वो आपको अपना देखना पड़ता है कि हाँ भाई ये ऑल्टरनेट हमारे लिए बेस्ट रहे, ये हमारे लिए मतलब कि क्या कहते हैं ये हमारे लिए इवेल्युएट करा हमने, कहा यार इस ऑल्टरनेट के अंदर आपने एक चार्ट बना लिया कि भाई अगर हम ये और ये ऑल्टरनेट चूज करेंगे तो इसके अंदर ये प्लसेस हैं और ये माइनसेस हैं, इसका इम्पैक्ट कितना होगा वो इवेल्युएट करेंगे। तो इसी तरीके से आपने जितने ऑल्टरनेट्स निकाले थे सबका आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट सूट करेगा जिसके अंदर की हमें मिनिमम हमारा कॉस्ट आए और मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिले। अब आप एक एक ऑप्शन उसको लगा कि हाँ भाई ठीक है हम एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट तो पैसा खर्च होगा, बट वो जो मैनेजर वैल्यू यार मैं अगर मैं क्या कहते हैं 1 करोड़ रुपए में कर खर्च करूंगा क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो मेरी सेल 10 करोड़ की हो जाएगी क्योंकि क्या कहते हैं लोग उसमें अवेयरनेस आएगी, इस तरीके से लोग वो करेंगे। तो वो कहेगा अच्छा नहीं एक काम करते हैं हम इसको जो हम 1 करोड़ का बजट रखते हैं 1 करोड़ ना क्या कहते हैं ना खर्च करके हम इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग करते हैं तो हमारा उसके अंदर खर्चा कम आएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें, तो मेरा मतलब है कि जो इंटेलिजेंट मैनेजर है जो क्या कहते हैं टैलेंटेड मैनेजर है वो इस सब चीजों को एवेल्युएट करता है और क्या कहते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस और अजम्पशन ऑल्टरनेट्स को वो एवेल्युएट करता है कि किसमें कितना फायदा है किसमें कितना नुकसान है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब उसने कहा कि भी हमें अगर कैपिटल बढ़ा वो लेनी है क्या कहते हैं इंक्रीज करनी है तो हमें कैपिटल लेनी पड़ेगी, तो वो कहता है कि यार हम बैंक से लोन ले या अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दें जो उनके पास और प्रॉपर्टी है, तो भी ठीक है यार हम क्या कहते हैं अपनी किसी को सेल कर देते हैं प्रॉपर्टी, हमें बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा बिकॉज हम अगर बैंक से लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो जो मैनेजर है वो ऑल्टरनेट डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेट्स को इवेल्युएट कर वो करता है इवेल्युएट करता है कि किस किस में क्या कौन सा फायदा है किस में किस में कौन सा नुकसान, और अल्टीमेटली फिर वो क्या करता है सेलेक्ट करता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, समझे बेटा यस है क्लैरिटी है ना। तो सर उसके बाद क्योंकि उसने सब कुछ इवेल्युएट कर रखा होता है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द बेस्ट ऑल्टरनेट इज सेलेक्टेड बट देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग वन ऑल्टरनेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेट्स कैन आल्सो बी सेलेक्टेड, द मोस्ट आइडियल प्लान इज मोस्ट फीजिबल प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है ना, कि अब जब जो एक प्लान फाइनल जो ऑल्टरनेट सेलेक्ट होता है, हो सकता है कि किसी ऑल्टरनेट में कोई चीज अच्छी हो बाकी चीजें खराब हो, दूसरे में कोई चीज काफी चीजें खराब हो पर कुछ अच्छी चीज हो, तो जो फाइनली सेलेक्टेड ऑल्टरनेट होता है वो हो सकता है कि या तो सिंगल होगा इन द सेंस कि एक कोई ऑल्टरनेट ले लिया, या हो सकता है मिक्सचर ऑफ ऑल्टरनेट 1, 2 और 3 हो सकता है, जो उसकी अच्छी बात थी वो अभी ले ली, जो उसकी क्या कहते हैं दूसरे प्लान की अच्छी बात थी वो भी ले ली, देखा कि हाँ इसमें सेकंड वाले ऑल्टरनेट तो ये चीज ज्यादा अच्छी है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, इन सबको करके एक उसने क्या कहते हैं फाइनल ऑल्टरनेट बना दिया। ये बेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके अंदर की आपकी ये मोस्ट फीजिबल भी है, फीजिबल मतलब समझते हो फीजिबल मतलब कि पॉसिबल है करना। अगर ओके अगर अगर हम ऐसा प्लान बना दें कि जी हम हर बंदे के साथ डोर टू डोर कैंपेन करेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया, वो तो फीजिबल नहीं होगा ना, आपको उतनी मैन पावर ये वो एक टाइम फ्रेम के अंदर ये होती सारी चीजें होती हैं। अच्छा, और एक प्लानिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा कि ये हमेशा क्या कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अचीवेबल होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए और नंबर्स होने चाहिए इसके अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि भाई हम अपनी सेल इंक्रीज करेंगे, नहीं हम कितनी सेल इंक्रीज करेंगे, हम कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे और कितने टाइम फ्रेम में बढ़ाएंगे, ये जो पैरामीटर्स हैं प्लानिंग में
इसमें ये जो फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भाई ये अचीव, मैं एक कोई ऐसा प्लान बना लू कि जी मैं तो अपनी सेल 3 गुना कर दूंगा, पॉसिबल होगा? नो सर। तो इसलिए ये अचीवेबल ही नहीं है, है ना? तो मेरा प्लान कैसा होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए। इसमें ऊपर लिखा हुआ था शायद, एक मिनट ये देखो, ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स ऑफ द मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव। प्लानिंग स्टार्ट्स विद डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, द ऑब्जेक्टिव शुड बी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड दे शुड बी, तो मैंने बता दिया था। पर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मतलब रियलिस्टिक होने चाहिए प्लान्स, जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव आप बनाओगे वो रियलिस्टिक होने चाहिए, करेक्ट? यस सर। ना तो क्या कहते हैं, हाँ तो हम लोग कहाँ थे कि क्या कहते हैं इस पे ऑल्टरनेट्स पे थे, सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेट हो गया। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा फाइनली प्लान क्या कहते हैं, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, कौन सा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया आपने, ठीक है? जब ये बन जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट, मतलब उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। देखो अभी तक हवा में बात हो रही थी, हमने सब इवेल्युएट कर रहे थे, डेटा इकट्ठा कर रहे थे, सबने कहा कि हाँ भाई मैनेजर ने कहा भी ये वाला प्लान लेते हैं, ये वाला ऑल्टरनेट लेते हैं या ये वाला ऑल्टरनेट लेते हैं, इस तरह से करेंगे। अल्टीमेटली उसने एक एक सेलेक्ट कर लिया कि भाई इसको हम क्या कहते हैं, जो कि हो सकता है कॉम्बिनेशन हो जो ऑल्टरनेट सेलेक्ट किए कि भाई हाँ इस हमें हमारा ये हमारे क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये हमारा सिलेक्टेड प्लान होना चाहिए जो हमने फाइनली सेलेक्ट किया, जो कि हम अचीव कर पाएंगे, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। प्लान शुड बी एक्सप्लेन्ड और कम्युनिकेटेड टू द सबॉर्डिनेट्स क्लियरली टू एंश्योर देयर सपोर्ट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। Successful implementation of plans requires wholehearted cooperation and understanding of my personnel. अब देखो, मैंने क्या बोला था कि नीचे वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट हो गया और एक मिडिल मैनेजमेंट हो गया और एक क्या कहते हैं सबॉर्डिनेट लेवल हो गया, तो जो आपका मिडिल लेवल है वो क्या करता है, प्लान रिसीव करता है टॉप मैनेजमेंट से और ऑल्टरनेट भी रिसीव कर लेता है, क्योंकि उसका उसको ऑप्शन थोड़ी है कि कौन सा ऑल्टरनेट का, उसको तो बहुत ही क्लियर डायरेक्शन होगी। जो नीचे वाले बंदे हैं उनके पास तो बहुत क्लियर डायरेक्शन होगी ना, क्योंकि ऊपर हाँ सारी सारी प्लानिंग हो चुकी है। तो अब टॉप मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि जो कुछ डिसीजन उन्होंने लिए हैं वो नीचे डाउन द लाइन लोगों को कम्युनिकेट हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझे? अच्छा एक बार रिपीट करना, मतलब सबको क्या, सबको कम्युनिकेट हो जाए, कम्युनिकेट मतलब सबको उसके बारे में पता चल जाए, उनको एक्सप्लेन, उनको कोई भी चीज उसमें कोई भी उनको उनके अंदर एम्बिग्विटी ना हो, कोई भी उनको ऐसी चीज ना हो जो कि समझ में ना आए। देखो टॉप मैनेजमेंट ने पहले ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करें कि मेरे कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हाँ। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रीमाइसेस अपने अजम्पशंस करे, अजम्पशंस के बेस के ऊपर उन्होंने ऑल्टरनेट प्लान्स बनाए, ऑल्टरनेट प्लान से उन्होंने इवेल्युएट करा एक एक प्लान को, उन्होंने कहा हाँ भाई ये प्लान ज्यादा सही है, ये ऑल्टरनेट ज्यादा सही है, फिर उन्होंने सेलेक्ट करा कि हाँ भाई कौन सा ऑल्टरनेट ज्यादा सही है, और वो हो सकता है मिक्सचर भी हो, कुछ पोर्शन कहीं का ले लिया, किसी को कुछ पोर्शन कहीं ऑल्टरनेट का ले लिया, ऐसा नहीं कि एक सिंगल ऑल्टरनेट पे हो, वो भी हो सकता है कि उन्होंने 5 में से उनको एक पहला ऑप्शन जो था वो पहला ऑल्टरनेट ज्यादा अच्छा लगा, उन्होंने कहा ठीक है इसको ले लेंगे। ये भी हो सकता है कि 1 और 3 नंबर का उन्होंने मिक्स करके एक ऑल्टरनेट बना दिया, उसका उन्होंने फाइनली सेलेक्ट कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन तो होगा ना, अगर सिर्फ प्लानिंग से तो हवा, प्लानिंग से तो कुछ नहीं हो सकता, तो आपको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन कराना है। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट प्लान बनाया वो क्या हो, सबको इन्फॉर्म्ड हो, पता हो सबको, इन्फॉर्म्ड हो। क्यों इन्फॉर्म्ड हो? क्योंकि फिर इम्प्लीमेंटेशन में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर सबको पता हो क्या काम किस तरीके से करना है। हाँ उनको पता होगा कि भैया ये टॉप मैनेजमेंट ने ये डायरेक्शन दी है, अब उसके बेसिस के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर्स
जो लोअर लेवल के क्या कहते हैं वो लोअर लेवल होता है उसको वो डायरेक्शन देते हैं, उन्हें बताते हैं, ऑर्डर्स देते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले वो क्या करते हैं, अपना भी एक क्या क्या कहते हैं, वो लोग अपना भी एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि हाँ जैसे मैंने बोला प्लानिंग तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को ही बनाना है प्लान। अंडरस्टूड? यस सर, इट इज टू बी डन बाय ऑल डिपार्टमेंट्स। उसमें भी मैंने तुमने देखा होगा, उसमें देखा कि क्या कहते हैं, इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू डिपार्टमेंट, सेक्शन, इंडिविजुअल, इस तरीके से ब्रेकअप हो जाता है ना, ब्रेक होता है प्लान का। और उनको भी यही प्रोसेस अपनाना होता है। बट मे बी क्योंकि डायरेक्शन बहुत क्लियर होती है कि ये करना है, तो उनके अंदर इतनी मतलब क्लैरिटी आ जाती है, और क्योंकि उनका जो क्या कहते हैं एरिया जिसमें उनको इम्प्लीमेंट करना है वो बहुत कंट्रोल में होता है उनको, तो उनको पता होता है कि हमें क्या करना है। करेक्ट, तो उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब समझ गए ना, सारे नीचे सबको पता। अब वो क्या, जो क्या कहते हैं मिडिल मैनेजमेंट को पता चल गया, वो फिर अपने नीचे सबॉर्डिनेट को बताता है ना, क्या कहते हैं वो फिर जब सबॉर्डिनेट को पता चलता है फिर वो अपने हिसाब से प्लान करते हैं कि हाँ जी ये करना, तो क्लैरिटी हो जाती है। अगर प्लान नहीं होगा तो कोई क्लैरिटी नहीं होगी, लोग अपने हिसाब से करते रहेंगे काम, ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। यस सर, अच्छा, अब नेक्स्ट इज द फॉलो अप एक्शन। भाई प्लान तो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको देखना पड़ता है कि भाई जो आपने प्लान दिया था वो फॉलो अप भी हो रहा है नहीं हो रहा है। दिस स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। सक्सेस ऑफ प्लान इज मेजर्ड बाय रिजल्ट्स अचीव्ड अकॉर्डिंगली। प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फॉलो अप शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लानिंग वर्क फंडामेंटली। दिस इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। एक्चुअली फॉलो अप जो है वो कंट्रोलिंग का पार्ट है, बट फिर भी मतलब आपकी प्लानिंग में क्या कहते हैं एक कंट्रोलिंग का भी, एक फॉलो अप का भी एक वो सेक्शन होना चाहिए कि भाई ठीक है इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसको, एवरी 15 डेज हम उस पे देखेंगे हम कहाँ तक पहुंचे। आप उनके पास एक मेथड होना चाहिए कि भाई हाँ क्या कहते हैं ये पूरे ईयर का प्लान था, उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया मंथ्स में, मंथ्स में ब्रेक करके उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मांग ली कि भाई इस मंथ हमें अचीव इतना करना था, हमें एक्चुअल क्या अचीव किया, तो हम उसको बोलते हैं आगे आएगा वो बजट वर्सेस एक्चुअल वगैरह सब आएगा, हम बाद में करेंगे। बट अभी सिर्फ फॉलो पैशन में कि भाई जो कुछ हमने प्लान किया था वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ही समझ लो ना। दिस स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इन टू एक्शन। ठीक है, क्लियर यस यस है, आगे चले। हाँ ठीक, चलो अब ये तो हो गया तुम्हारा प्लानिंग का पूरा सर, प्रोसेस। हाँ अब तुम्हारे क्या कहते हैं टाइप्स कौन कौन से बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट, ये अलग अलग तरीके के प्लान्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो ऑब्जेक्टिव्स का एक प्लान हो गया, टाइप टाइप ऑफ प्लान बता रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाते हैं उस प्लान के अंदर, तो भाई ये देखो जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है ना, इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि प्लान्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल यूज प्लान और एक स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान का हुआ से फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है, हाँ तो आप बताते कि यार मेरे को कहाँ पे हो रहा है, पता नहीं कहाँ कटक हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कहीं पे हो रहा है वो, है ना, तो वहां पे जाना है, तो आप क्या करते हो प्लान करते हो, और जब मैच खत्म हो जाएगा तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, यस सर, वो सिंगल यूज हुआ ना। हाँ वेयर एज स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं कि वो आगे तक चलते हैं, इस तरीके से दो प्लान्स होते हैं। करेक्ट, उनको सिंगल यूज के लिए इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक प्लानिंग और एडहॉक प्लानिंग। अ सिंगल यूज प्लान इज वन विच इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्पेसिफिक ऑपरेशंस,
once a special situation or particular operation is achieved, the plan is not put into use. It may last for one day, weeks, or even months. If the project for which it has made it is made is long, programs, budgets are examples of single use plans. आगे आएगा प्रोग्राम बजट्स प्रोजेक्ट्स ये सब सिंगल यूज के होते हैं ये भी आगे आएगा जो स्टैंडिंग प्लान्स हैं स्टैंडिंग प्लान्स प्लान इज अ वन व्हिच इज डिजाइन्ड टू बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन सच प्लान्स आर परमानेंट आर ऑफ परमानेंट नेचर एंड आर मेंट फॉर रिपीटेड यूज स्टैंडिंग प्लान्स आर रूटीन प्लानिंग और रिपीट यूज प्लान्स दे आर मेड once but retain their value over a period of time. However, some revisions and updates may take place in these plans from time to time. So, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा types of plan, इनमें कुछ तुम्हारे single plan हो सकते हैं कुछ क्या कहते हैं तुम्हारे standing plan हो सकते हैं कुछ क्या कहते हैं either single भी हो सकता है और standing भी हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं हम आगे देखेंगे है? पर अब हम चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लान की डिटेल पहले ये बात क्लियर हो गई बेटे यस सर हाँ यस सर चलो हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जैसे मैंने पहले बताया था ये तो पता ही है ऑब्जेक्टिव आर द डिजायर्ड future position that manager would like to achieve. They are the end result of activities. देखो अब ये कैसा है neither single use है nor standing plan है ये कहता है ये दोनों में से कोई नहीं है क्यों क्यों नहीं है क्योंकि आपने क्या कहते हैं ये आपने कहा कि भी ठीक है मेरे objectives हैं ये मेरे achieve हो जाएंगे तो ये काम खत्म हो जाएगा but क्या है कि आपके ये जो आपने प्लान आपने ऑब्जेक्टिव का बनाया ये तो रिपीटेडली होगा ना हर साल आपको बनाना पड़ेगा उसमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे तो उसको आप ना तो सिंगल यूज कह सकते हो कि ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बनाया और ऑब्जेक्टिव अचीव किया उसका कंपनी बंद कर दी ऐसा तो नहीं होता ठीक है और क्या कहते हैं नॉर इज स्टैंडिंग प्लान कि ऐसा भी नहीं है कि भैया जो आपने एक बार प्लान बनाया वो हर साल वही होगा स्टैंडिंग प्लान की डेफिनेशन है बच्चे उसमें है ना रिपीटेटिव प्रोसेस रिपीटेटिव होना तो रिपीट तो नहीं होगा आपने पहले प्लान एक ईयर के लिए कुछ और बनाया नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ और हो जाएगा वो करेक्ट अब देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट ईयर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ना हाँ यस सर ऑब्जेक्टिव हो गया अब मैं पहले स्ट्रेटजी से पहले पॉलिसीज बता देता हूँ अब पॉलिसी जो है वो स्टैंडिंग प्लान है क्यों स्टैंडिंग प्लान है क्योंकि आप एक कंपनी में पॉलिसीज बनाते हो पॉलिसीज क्या बनाते हो कि भाई क्या कहते हैं मेरी जो है वो बिजनेस पॉलिसी ये है कि मैं नो रिटर्न पॉलिसी कि भैया जो मैंने माल बेच दिया उसको मैं क्या कहते हैं वापस नहीं लूंगा मेरी पॉलिसी ये है कि क्या कहते हैं मतलब कि जैसे होता है ना आपने तुमने देखा होगा कि कुछ उसमें लिखा होता है कि पॉलिसी कोई वो आप कुछ चीज लोग बोलो अगर आपने 3 दिन तक रिटर्न कर दी तो ठीक है नहीं तो हम आपका वो वापस नहीं लेंगे नो रिफंड्स करके पॉलिसी होती है ना तो ये सारी चीजें जो है आप जो पॉलिसीज के अंदर बनाते हो तो आपका ये जेनरिक स्टेटमेंट होती है जो कि हर बंदे को फॉलो करनी है जिस आपने एक पॉलिसी बना दी कि भाई कोई जो है लीव जो है वो एक साल में 15 डेज से ज्यादा नहीं ले सकता ये पॉलिसी बनाई है तो ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग और आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग आर कॉल्ड पॉलिसीज अब आपने पॉलिसी बनाई 15 दिन की तो अगर किसी बंदे ने 16वें दिन छुट्टी ले ली तो आपको पता है कि पॉलिसी 15 दिन तक तो ले सकता है 16वें दिन अगर लेगा उसकी हम सैलरी काट लेंगे उसको किसी से पूछने की जरूरत तो नहीं है ना नो सर क्योंकि उसकी पॉलिसी कंपनी की पॉलिसी ऐसी बन चुकी है दे डिफाइन द बाउंड्रीज विद इन विच डिसीजंस कैन बी मेड बाय द सबॉर्डिनेट्स अगर पॉलिसी पता होती है तो आप जो सबॉर्डिनेट नीचे वाले हैं वो क्या कहते हैं वो उसी के बेस के ऊपर एक्शन लेते हैं
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंक ने कहा है, अब पहले तो नहीं था, अब तो नहीं है, पर पहले था, बैंक ने कहा था भी अगर आपको चेकबुक चाहिए तो जिसको चेकबुक चाहिए वो बंदा खुद फिजिकली ब्रांच में आएगा और हम उसको वन टू वन रिलीज करेंगे, क्योंकि चेकबुक का मिसयूज नहीं होना चाहिए। करेक्ट, उनकी ये पॉलिसी है। तो जो नीचे सबॉर्डिनेट बना चेकबुक जो इश्यू करता है वो कहेगा, वो क्या कहते हैं, जब तक इंश्योर नहीं कर लेगा कि हाँ बंदा फिजिकली वहां आया है और उसके साइन वगैरह हुए, तब तक वो चेकबुक इश्यू नहीं करेगा। कोई आ गया भी उनको चेकबुक दे दो, उनकी उन्होंने भेजा चेकबुक लेने के लिए, वो नहीं देगा, वो कहेगा नहीं पॉलिसी नहीं कंपनी हमारे बैंक की। क्लैरिटी है? हाँ यस सर। ठीक है, दे आर द गाइड टू मैनेजरल एक्शन एंड डिसीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। अभी आप मैं स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। पॉलिसीज आर मेड फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मेजर पॉलिसी एंड माइनर पॉलिसी। मेजर पॉलिसीज इज दैट इज कस्टमर, क्लाइंट, कॉम्पिटिशन, एक्चुअली माइनर पॉलिसीज आर इनसाइडर फॉर एम्प्लॉई डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग। सर क्या होता है कि जो पॉलिसीज हैं आपकी वो जो होती हैं वो आपको पूरा एक आपको ना फ्रेमवर्क बता देती हैं कि फ्रेमवर्क हम समझते हो, एक आपको वो बताती कि भाई ये रूल्स हैं जो कि हर एक बंदे को फॉलो करने। ओके ठीक है, तो कोई भी एक्शन या डिसीजन लेना होता है वो उस रूल को रेफर करते हैं और एक्शन ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया अभी लीव का बताया, इनसाइडर के ये सब चीजें इनसाइडर माइनर पॉलिसीज हैं। कस्टमर पॉलिसी है मेरी, जैसे मैंने बताया था कि भाई हमें क्या कहते हैं रिटर्न विद इन 15 डेज या 10 डेज, ये कस्टमर पॉलिसी होगी, है ना। इस तरीके से क्या कहते हैं एक पॉलिसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मेरी कंपनी के एक R&D सेंटर है, वहां मैंने पॉलिसी बना दी कि भाई कोई भी बंदा मेरे लैब के अंदर सेलफोन लेके नहीं जा सकता, जो भी बंदा जाएगा उसको बाहर विजिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, पॉलिसी होगी ना। यस सर। तो पहले जब पॉलिसी बन जाती है तो इसमें फिर क्या होता है कि हमें स्ट्रेटजीज बनाने में काफी हेल्पफुल होते हैं। स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि आप ये स्ट्रेटजी बनाते हो कि भाई हमें अपनी नॉर्मली जो स्ट्रेटजी वर्ड यूज करते हैं वो अगेंस्ट कंपटीशन ज्यादा यूज करते हैं, कि भाई मेरे को अपनी सेल बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा। इसमें एग्जांपल टॉय का दिया था, है ना, कि भाई एक क्या कहते हैं कस्टमर को हम बच्चों के लिए गिफ्ट दे देंगे तो बच्चे को कहेंगे नहीं हमें तो MID जाना है, उनकी सेल बढ़ जाएगी। या आपने कोई गिफ्ट क्या कहते हैं दे दिया उनको, तो वो आपने उसमें स्कीम डाल दियो कि भाई क्या कहते हैं अगर आप इतने का सामान लोगे तो इसके साथ हम आपको गिफ्ट दे देंगे, समथिंग। आप देखो बहुत सारी कंपनीज इस तरह से करती हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर्मुलेटेड टू मीट द चैलेंजेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और फ्रॉम द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। करेक्ट, और द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में हैव 3 डायमेंशंस: डिटरमिनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, अडॉप्टिंग द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। बड़ा सिंपल है ये कि जो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसके 3 डायमेंशन होते हैं, कि भाई मेरे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई मेरे को पूरा क्या कहते हैं सेल बढ़ानी है 20% की, है मेरे उस चीज को करने के लिए मेरे पास जो मैं अडॉप्ट कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन मैं लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट स्कीम चला दूंगा मैं, ये एक उसने एक अडॉप्ट करा टू अचीव द क्या कहते हैं फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। मतलब ये कि उसने क्या कि ठीक है जी प्रोडक्शन वालों को कह दिया या सर प्रोक्योरमेंट वालों को कह दिया कि भाई इसके अंदर जो आप गिफ्ट भी हमें दिया, हमें हमने स्ट्रेटजी कर रखी है कि भाई जो हम हमारे से 100 पीसेस लेगा उसको हमें गिफ्ट दे देंगे और उस एक उन्होंने चार्ट बना दिया कि भाई जो 100 लेगा उसको ये गिफ्ट मिलेगा, जो 200 लेगा उसको ये मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने प्रोक्योरमेंट वाले को दे दिया तो रिसोर्सेज ने वो गिफ्ट खरीद लिया अकॉर्डिंगली। ठीक है,
तो ये सब स्ट्रेटजी का ही पार्ट होता है। नॉर्मली स्ट्रेटजी जो होती है वो हमारे कॉम्पिटिटिव क्या कहते हैं जो कॉम्पिटिशन है उसको काउंटर करने के लिए होती है कि हमारी सेल बढ़े, लोग उसका वो प्रोडक्ट ना करें, हम हमारा करें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, स्ट्रेटजी क्लियर हो गया, पॉलिसीज क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर, आगे बढ़े। हाँ यस सर। इसके बाद होता है प्रोसीजर्स। ये एक स्टैंडिंग प्लान है। क्यों है स्टैंडिंग प्लान? प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब समझते हो? प्रोसीजर प्रोसेस का मतलब, प्रोसेस का मतलब तरीका, मतलब शॉर्ट ऑफ प्रोसीजर एक्चुअली क्या है कि स्टेप। अब जैसे फॉर एग्जांपल चाय बनानी है तुम्हें, चाय बनाने का एक प्रोसीजर है, नहीं है? हाँ हाँ, मतलब वो सेट हो रखा पहले से। ओके, वो हमेशा सेट रहेगा, है ना? करेक्ट। तो प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप टू बी फॉलोड टू कैरी आउट अ वेरियस एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल चाय बनानी, तो ठीक है, आप एक भगोना लोगे, उसके अंदर पानी डालोगे, उसके अंदर उसको चढ़ा दोगे, गैस ऑन, ये सब चीजें उसका प्रोसीजर है कि नहीं है? पानी उबलने लगेगा, उसका चाय पत्ती डाल दोगे, लाइक दिस, है ना? शुगर डाल दोगे, उसको क्या कहते हैं ब्रू होने दोगे, उसको थोड़ा उसका मिल्क डालोगे, जो भी है उसका प्रोसेस है आपका। तो ये ऐसा तो है नहीं कि आपने ठंडे पानी में चाय पत्ती डाल दी, दूध भी डाल दिया, आई मीन, है ना? सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, है ना? It contains detailed exact manner in which any work is to be performed. They are the prescribed steps to be followed by employees in different situation. मतलब ये हुआ कि आपके पास आपका प्रोसीजर रिटन डाउन होता है कि भाई ये करना है, स्टेप ये करना है, ये करना है, और अगर कंडीशन ऐसी है तो ये करो, ये कंडीशन है तो ये करो, लाइक दिस। आप अलग अलग कंडीशंस के अंदर भी और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर भी आपको जो प्रोसीजर का डॉक्यूमेंट है वो बहुत क्लियरली डिफाइन आपको कर देता है। क्लियरिटी है? यस सर, यस सर। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेथड के ऊपर, ये भी एक स्टैंडर्ड। अब क्या होता है, तुमने सुना होगा डेप्रिसिएशन का नाम सुना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में होता है। हाँ, हाँ, यस सर, वो एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है। एसेट की वैल्यू डाउन। तो अब डेप्रिसिएशन के दो तीन मेथड होते हैं। हाँ हाँ, बहुत तरीके होते हैं सर डेप्रिसिएशन। बहुत तरीके के होते हैं। तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमें ये डेप्रिसिएशन का ये मेथड फॉलो करना है। उसमें प्रोसीजर में तो ये है कि आपको एक इसको इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू लिखनी है अपने अकाउंट्स में, एक पर्टिकुलर एसेट की। यस सर। लेकिन मेथड में कौन सी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका, अब देखो ये एक सेकेंड लेवल का हो गया। आपका टास्क था कि राइट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट। मेथड में क्या है, यूज दिस मेथड, क्या कहते हैं तुम्हारा जो दो तीन मेथड है उनमें से एक जो होता है इसके अंदर कि एवरी ईयर 20% वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, इस तरीके से ये यूज दिस स्ट्रेटजी फॉर यूज दिस मेथड फॉर डेप्रिशिएटिंग। तो आपके हर एक प्रोसीजर के हर एक स्टेप के लिए क्या मेथड यूज करना है वो एक इसमें डिफाइन करते हैं। अब पढ़ लो क्या लिखा है। मेथड्स आर द प्रिस्क्राइब्ड वेज इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। इट डील्स विद अ टास्क कंप्राइजिंग one step of a procedure and specifies how that step is to be performed. देखो क्लियरिटी है ना, मैंने आपको क्या बताया कि एक स्टेप ऊपर प्रोसीजर का एक स्टेप था कि भाई मेरे को डेप्रिसिएशन वैल्यू लेनी है, कौन सी लेनी है, क्या मेथड अप्लाई करना है, वो आपका स्पेसिफिक हाउ दैट स्टेप इज टू बी परफॉर्म, वो आपको एक चीज दिख रहा है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम मनी इफेक्ट इट ऑल्सो इंक्रीजेस एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तुम इस लाइन से को समझ के मेरे को बता दो कि ये क्या, इसका मीनिंग क्या होगा। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम मनी एंड एफर्ट इट आल्सो इंक्रीजेस एफिशिएंसी, कैसे होगा बताओ, क्या मतलब? हाँ, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड, अगर हम एक प्रॉपर मेथड, एक तरीके को, एक मेथड को अगर क्या कहते हैं सिलेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर तरीका है, वो प्रॉपर मेथड है, हम हर तरीके से उस हम मेथड को उस तरीके से बनाएंगे, प्लानिंग उस तरीके से करेंगे उस मेथड की, कि उससे हमारा टाइम भी बचे, है एक प्रॉपर मेथड वो होता है जिससे टाइम भी बचे और फिर मनी भी हमारा बचे,
और जो हमारा एफर्ट है, जो मैन पावर है, जो क्या कहते हैं बाकी स्टाफ मेंबर्स की पावर है, जो मैन एकदम मैन पावर है वो भी बचे, और जो उसके बाद इन सबको करने के बाद जो एफिशिएंसी है उसकी, जो मतलब वो क्या कहते हैं एफिशिएंसी है वो भी उसकी वो क्या कहते हैं इंक्रीज हो जाए, इट्स आल्सो इंक्रीज एफिशिएंसी। देखो 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 ऐसा होता है जैसे मैंने अभी क्या बोला, एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के अंदर आपका मेथड है। अगर मैंने मेथड डिफाइन कर दिया है तो जो बंदा इसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसको इंस्ट्रक्शंस उस लेवल तक क्लियर हैं कि इसको करना क्या है। अगर मैं लिख देता था कि भाई ओके राइट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू, तो वो कंफ्यूज हो जाता कि भाई मैं कौन सी लूं अपने बॉस के वक्त, सर इनमें से तीन में से कौन सी वाली कौन से मेथड अप्लाई करूं मैं। बॉस कहता है ये अलग कर दो, अब वो कर देता, फिर वो बॉस मान लो चेंज हो गया, फिर वो दूसरे वाले ने दूसरा बॉस आ गया वहां पे, उसने कहा कि भाई अरे क्या कहते तुमने ये क्यों करा सर, वो तो पहले अब नहीं अब ये नहीं ये करो, तो सेम काम को दोबारा करना पड़ रहा है। हाँ यस सर। बट अगर कंपनी ने एक डिसीजन ले लिया कि भाई ये प्रोसीजर है और ये मेथड हम यूज करेंगे, तो उसको पीछने की जरूरत ही नहीं, उसने कहा साहब लिखा हुआ ऑलरेडी है मैं इसमें क्या करूं, अगर आपको लगता है गलत है तो आप हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस और मेथड चेंज करवा लो, वैसा कर दूंगा। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज पूरी पार्ट ऑफ प्लानिंग थी कि भाई हम ये प्रोसीजर अपनाएंगे और ये मेथड अपनाएंगे, तो उसमें सबको क्लैरिटी है और जो हमने मेथड चूज किया है वो हमारे लिए बेस्ट है, बिकॉज वो हमारे लिए पैसे बचा रहा है, वो हमारे लिए टाइम बचा रहा है, जो भी हमने मेथड यूज किया वो किया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर यस सर। ठीक है, उसके बाद होता है रूल्स, ये भी एक स्टैंडिंग प्लान है। मेरे रूल्स जो है ना वो तो बड़े फिक्स्ड है ना, रिजिड है ना, रूल्स आर रिजिड एंड डेफिनेट प्लान्स दैट स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी डन और नॉट टू बी डन इन गिवन सिचुएशन। आप होते ना डूज एंड डोंट्स होता है ना, देखा हो ना कहीं जाके कि लिफ्ट में डूज एंड डोंट, डू नॉट यूज लिफ्ट ड्यूरिंग फायर, ये वो सब लिखा होता है ना। यस सर। तो डूज एंड डोंट्स होते हैं, तो ये है सारी चीजें कि रूल्स आपके जो होते हैं वो पार्ट ऑफ प्लानिंग है, रूल्स बनाते हो आप और वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। रूल प्रोवाइड्स नो फ्लेक्सिबिलिटी टू द सबॉर्डिनेट, इट इज प्रिस्क्राइब्ड गाइड टू कंडक्ट और एक्शन, नो डेविएशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट रूल। जो आपने रूल बना दिया वो आपका स्टैंड, मतलब पत्थर की लकीर होगी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉलो होगा, nobody has power to change that except the top man, because top man तो रूल बनाता ही है ना। तो ये रूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद प्रोग्राम्स और बजट, पहले मैं बजट पे आता हूँ कि क्या कहते हैं जो हमारे बजट्स हैं, जो हमारे बजट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कोई भी चीज आप अगर प्लान करते हो तो आपको बजट तो पहले बनाना पड़ता है ना कि भाई ये मेरे मैं अपनी सेल क्या कहते हैं मेरे को अगर 20% बढ़ानी है तो मेरा रॉ मटेरियल का परचेज जो है वो इतना इतने नंबर इतने इतने करोड़ की होगी और ये चीजें इसके अंदर हम खरीदेंगे, ये आइटम खरीदेंगे और इतने इतने आइटम खरीदेंगे, तभी तो हम कर पाएंगे। तो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ अ गिवन फ्यूचर पीरियड स्टेटेड इन द इन न्यूमेरिकल टर्म्स। नंबर्स में जो चीज जब तक मेंशन नहीं होती तब तक आपकी वो बजट का पार्ट नहीं है। बजट का मतलब होता है नंबर, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, मतलब बहुत ही क्लियर। इसीलिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी क्या छोटी कंपनी में बजट बनता है हर साल, जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उससे पहले ही बजट का एक सेशन होता है, सब प्लानिंग करते हैं उसके अंदर और एक बजट आपको मिल जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि हाँ भाई हमें हम बजट में एक करते हैं कि भाई हम इतना हम ट्रैवल में खर्च करेंगे इस ईयर में, इतना हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे, इतना हम मार्केटिंग पे खर्च करेंगे, इतना हमारी सैलरीज होंगी, इतना हमारा प्रोडक्शन होगा, ये सारी चीजें जो है आपकी बजट के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। इट मे बी स्टेटेड इन टाइम्स मटेरियल मनी और इन एनी अदर थिंग।
इन बजट फॉर्मुलेशन कंपनी एस्टिमेट्स द जनरल ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन विद इन दिस एस्टिमेट। वो एक जब बजट फॉर्मुलेशन हो रहा है तो उसको वो एक चीज ये कंसिडर कर लेती है कि भाई अच्छा इसके अंदर जो हमारा शायद क्या कहते हैं ये चीज महंगी हो जाए तो वो उसके अंदर प्रोविजन रख देती है कि भाई ठीक है कि हमें ये चीज हमें खरीदनी पड़ेगी तो इसकी ये कॉस्ट ना लेके हम थोड़ा सा एस्केलेटेड कॉस्ट ले लें सो दैट एटलीस्ट हम अपने बजट से बहुत ज्यादा ना हिलें। करेक्ट, बजट का मतलब क्लियर हो? हाँ यस सर। और ये सिंगल यूज है, हमेशा ध्यान रखो। क्यों सिंगल यूज है? कि जब आपका बजट, जब आपने वो उस बजट को यूज कर लिया वो खत्म हो गया, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, आपको कुछ और करना है दोबारा से बजट। क्लियर? यस सर। ओके, तो इसी तरीके से सेल्स बजट होते हैं, प्रोक्योरमेंट बजट, इस तरह हर एक के बजट होते हैं। अब आ जाओ प्रोग्राम के ऊपर। तो प्रोग्राम क्या है कि पूरा जो कुछ हमने अभी पढ़ा ये एक तरीके से एक प्रोग्राम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज का एक प्रोग्राम होता है ना, उसका बजट तो नहीं होता, बजट होता ही है बट पूरा प्रोग्राम में बजट एक पार्ट होता है उसका। नहीं, मैरिज या कोई फंक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं ना ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? आर द डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट दैट आउटलाइंस ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, ऑल दिस टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। द प्रोग्राम्स आर चेक्ड आउट ऑफ डिफरेंट लेवल्स। देखो ये सारी चीजें सब मिलके एक प्रोग्राम बनाती हैं या प्रोजेक्ट बनाती हैं, जिसके अंदर पॉलिसीज भी आ गई, ऑब्जेक्टिव्स भी आ गए, आपके प्रोसीजर्स भी आ गए, आपके बजट्स भी आ गए, सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, है ना? समझ गए ना? एवरीथिंग इज फॉर एग्जाम्पल आप मैरिज का मैंने बता दिया तुम्हें, है ना? ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, ये तुम्हें इसको याद करने का एक तरीका है, पी रॉम्बस, ट्रिपल पी, ट्रिपल पी रॉम्बस। देखो ट्रिपल पी कैसे है, एक पी ये रहा प्रोग्राम्स के लिए, एक पी प्रोसीजर्स के लिए, एक पी पॉलिसी। ट्रिपल पी रॉम्बस, आर फॉर रूल्स, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स, एम फॉर मेथड, B for budget, budget. BU stand for budget. S for strategy, strategy. तो triple P rhombus करके जो एक एक तरीका है जिसको इसको याद करने का, triple P rhombus लिख लो, उसका एक एक चीज भरते जाओ तो पता चल जाएगा, है ना? ये कितने तरीके के टाइम प्लान, क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा हो गया प्लानिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये अब इस चैप्टर हो गया खत्म, फोर्थ वाला।